निशा, तुम इतने दिनों बाद आई हो, कुछ दिन और रुक जाते? नहीं मामा जी, मैं ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाऊंगी, ऑफिस में बहुत काम है। बस आपने बुलाया था इसलिए मैं एक दिन की छुट्टी लेकर आप दोनों से मिलने चली आई। फिर भी बेटा, आ ही गई हो तो एक दो दिन रुक ही जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। और ऐसे भी मैं और तुम्हारे मामा सोच रहे थे कि अगले साल तुम्हारी शादी करवा देंगे तो अच्छा होगा। दिवाकर आया था, हमने उससे शादी के विषय को लेके बात की थी। देखो निशु, अब तुम आत्मनिर्भर बन गए हो, शादी की उम्र भी हो गई है तुम्हारी, और मैं ये सोचता हूँ शायद तुम्हें भी इस बात से कोई एतराज नहीं होगी। मामा जी, आप लोग मेरे बारे में जो भी सोचोगे अच्छा ही सोचोगे, ये मैं जानती हूँ, और शादी की बात को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है। मामा जी, मामी जी, आप लोग अच्छे से रहना, मैं आती रहूंगी। इस बार बिहू की छुट्टी में आऊंगी तो कुछ दिन जरूर रुकूंगी। सॉरी सर, बहुत कोशिश किया मैंने। उस जगह के लोग काफी गर्म दिमाग के हैं। वहाँ के लोग सब सुबह से ही नशे में धुत रहते हैं। सर, उस जगह में हमारा ऑफिस बिल्कुल नहीं चलेगा। बताया है अगर ऐसा ही है तो हमें ऑफिस किसी दूसरे जगह पे लेना होगा। ठीक है, तुम अपने बाकी टारगेट्स को जल्द से जल्द फुलफिल करो। ओके सर। मैं कम इन सर। यस कम इन सर। प्रिंस ने अभी जो कुछ भी बोला है आपसे वो सारी बातें मैंने सुनी। सर, अगर वहाँ के लोग सुबह से ही नशे में धुत रहते हैं तो वहाँ शायद बीमार लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी। मुझे लगता है हमारे औषधियों का व्यापार वहाँ अच्छा चलेगा। May I come in, sir? Yes, come in. सर, मुझे लगता है कि सूरज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर उस जगह को देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम उस जगह पे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं MD सर से बात करके देखता हूँ। अगर सर परमिशन देते हैं तो तुम जाकर एक बार देख कर आना। ओके, थैंक यू सर।